इन वादियों में टकरा चुके हैं हमसे मुसाफिर यूं तो कई, दिल ना लगाया हमने किसी से, किससे सुने हैं यूं तो कई। ऐसे तुम मिले हो, ऐसे तुम मिले हो, जैसे मिल रही हो इत्र से हवा। काफिराना सा है इश्क है यार क्या है। ऐसे तुम मिले हो, ऐसे तुम मिले हो। ढाई अक्षर का ये प्रेम शब्द इतना पवित्र और पुनीत है कि यह न पद को आड़े आने देता है न ही रुतबे को। अगर सादगी के कारण प्रेम पनपे तो क्या कहना। जी हाँ, हम आज प्रेम दिवस पर ऐसे ही पति पत्नी की प्रेम कहानी आपको बता रहे हैं जो सादगी से उपजी है और जिन्होंने प्रेम विवाह किया है। सादगी पसंद यह जोड़ा और कोई नहीं बल्कि अपने धार जिले के एसपी साहब आदित्य प्रताप सिंह एवं उनकी पत्नी अंकिता की है। प्रेम कब किसके लिए पनप जाए इसका कोई ठोस कारण नहीं होता है, किंतु दोनों के बीच कमिटमेंट ने ही प्रेम की डोरियों से बांध दिया है। यही सच्चे प्यार की पहली बुनियाद है, कमिटमेंट अर्थात प्रतिबद्धता। वेलेंटाइन डे प्रेम, प्यार और समर्पण को इजहार करने का दिन। इस वेलेंटाइन डे पर हम आपको मिलवा रहे हैं एक ऐसे व्यक्तित्व से जो कमिटमेंट का पर्याय है। आपको प्यार, समर्पण, कमिटमेंट की ऐसी प्रेम कहानी हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें कमिटमेंट ने ही यूपीएससी क्लियर करवा दी। जो कभी दोस्त हुआ करते थे, एक ही कॉलेज में पढ़ा करते थे, कॉमन फ्रेंड्स के जरिए दोस्त बने, एक दूसरे से कमिटमेंट किए और उन्हीं कमिटमेंट के जरिए कामयाबी के लक्ष्य तक पहुंचे। जी हाँ, आज इसी कमिटमेंट की हमें चारों तरफ कमी नजर आती है। वही यह कमिटमेंट लक्ष्य को भेदने में भी तर्कश की तरह काम आया। यह दोस्ती का रंग विवाह के रंग में बदल गया और आज ये दोनों दंपत्ति कामयाब दंपत्ति और गर्व से कहते हैं कमिटमेंट का मतलब सिर्फ कमिटमेंट होता है। पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह कहते हैं, मुझे अंकिता में इनकी सादगी अच्छी लगी। वही अंकिता जी कहती हैं, मुझे सर के कमिटमेंट पर पूरा विश्वास था, इसलिए हमने सालों एक दूसरे का इंतजार किया। आपको बता दें कि अलवर के रहने वाले आदित्य प्रताप सिंह ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के हंसराज कॉलेज में बीए ऑनर्स करने के लिए एडमिशन लिया था। वहां पर इनके कॉमन फ्रेंड्स के जरिए अंकिता अग्रवाल से इनकी मुलाकात हुई। यह मुलाकात कब प्रेम में तब्दील हो गई, कब दोस्त बने और दोस्त से ज्यादा एक दूसरे से कब कमिटमेंट कर लिया पता ही नहीं चला। लेकिन कमिटमेंट को तो पूरा करना ही था, इसीलिए पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह ने यूपीएससी क्लियर कर अंकिता अग्रवाल को अपनी जीवन संगिनी बना लिया। पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह और अंकिता जी बताते हैं कि अपने अपने पेरेंट्स को मनाने में शुरुआती मुश्किलें आई, लेकिन दोनों ही परिवार एक दूसरे से मिलने के बाद मान गए और हम परिणय सूत्र में बन गए। आपको बता दें कि वे कहते हैं, आज भी हम अच्छे दोस्त हैं और बहुत अच्छे दोस्त हैं। एक दूसरे की कद्र करते हैं, एक दूसरे के काम की कद्र करते हैं। आपको बता दें कि आदित्य प्रताप सिंह जब यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे उसी दौरान अंकिता अग्रवाल मुंबई में रहकर स्ट्रेटेजी कंसल्टेंट के रूप में काम कर रही थी। वह रोज मुंबई में सिद्धि विनायक मंदिर में दर्शन कर प्रार्थना करी ऑफिस जाती थी। जब तक आदित्य प्रताप सिंह का यूपीएससी का रिजल्ट नहीं आया, उनका कहना है कि सर की मेहनत व भगवान की कृपा से ही सिलेक्शन हुआ और हम जो चाहते थे वह हो गया। वह भी फ्रीलांसर बिजनेस कंसल्टेंट के रूप में कार्य कर रही है। वही पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह भी एक किस्सा सुनाते हैं कि यूपीएससी करने के बाद परिवार को मनाना थोड़ा मुश्किल था। हमने सबसे पहले इनकी दादी को मनाया और बात बन गई। मुझे अंकिता में सादगी पसंद आई। आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह धार जिले की कमान बखूबी संभाल रहे हैं। वही अपराधियों पर नकेल कसते नजर आते हैं और एक सफल दाम्पत्य जीवन के धनी हैं। वही एक नन्ही परी ने भी इनके दाम्पत्य जीवन में खुशियों की बहार ला दी है। देखें खबर एसकेपी लाइव न्यूज पर। एक्चुअली क्या था, हम लोग
एक ही कॉलेज में थे, मैडम जो है वो बीकॉम ऑनर्स में थी, मैं बीए पास में था, और हमारा एक कॉमन ग्रुप ऑफ़ फ्रेंड्स था। तो हम 2-3 साल जो कॉलेज में रहे, हम लोग वो कॉमन ग्रुप ऑफ़ फ्रेंड्स में रहे। फिर उसके बाद मैडम जो है एमबीए करने हैदराबाद चली गई, फिर हमारी बातचीत होती रही। फिर इसी बीच में हम लोगों ने, जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था, हमने डिसाइड किया कि वी विल गेट मैरिड। और मुझे मतलब टोटल मेरा जो प्रिपरेशन पीरियड 4 साल रहा, इस बीच में मैडम ने एमबीए किया, जॉब की बॉम्बे में, फिर गुड़गांव में। तो जब मेरा सिलेक्शन हुआ, उसके बाद हमने अपने पेरेंट्स को ये बात बताई, और फिर उसके बाद हमारी शादी हुई। अब तो मुझे ही कहना पड़ेगा कि मैंने प्रपोज़ किया। हमारे एक कॉमन फ्रेंड था गौरव, उसने हम दोनों, क्योंकि हमारा, हम दोनों का अच्छा दोस्त था, तो हम पूरे एक ही ग्रुप में थे, तो उसने ये बात कन्वे की कि ऐसा ऐसा है। फिर उसके बाद मतलब ट्रेडिशनल प्रपोज़ तो मैंने किया। मैडम नहीं, मैडम का बेस्ट पार्ट ये थी कि उसकी, उनकी जो सिंप्लिसिटी है वो सबसे बेस्ट पार्ट था। कि मतलब डिस्पाइट बीइंग वेरी स्मार्ट इन स्टडीज़, वेरी गुड इन स्टडीज़ और अदरवाइज़, मतलब वो शी कम्स फ्रॉम अ गुड फैमिली और सब था, बट शी इज़ वेरी सिंपल, बहुत हम्बल और सिंपल है। ये जो बात थी मुझे सबसे ज़्यादा इम्प्रेसिव लगी शुरुआत में। और फिर जैसे जैसे हम जानते गए, ऐसी बहुत सारी खूबियाँ, ऐसी बहुत सारी क्वालिटीज़ जो है वो मैडम में हैं, जिनके कारण जो है हमेशा से, मतलब शी कीप्स ऑन इम्प्रेसिंग मी। सर प्रेम ये रहा कि हम इस पूरी जर्नी में आज भी हम हमेशा दोस्त थे, वी स्टार्टेड एज फ्रेंड्स एंड टुडे ऑल्सो। कई बार क्या होता है कि वो फ्रेंड्स होने के कारण वो ये रियलाइज़ नहीं करती कि मैं एसपी हूँ, और कई बार मैं रियलाइज़ नहीं करता दैट चीज़ माई वाइफ। तो हमारे अभी भी जो है, बिकॉज़ वी आर फ्रेंड्स, तो हम बहुत सारी चीज़ें, हम जो हमारा ओरिजिनल था हम वैसे ही रखते हैं। और हमेशा जो भी स्ट्रगल्स आई, मतलब चाहे वो मेरे सिलेक्शन का एक फेज़ था, बहुत ऐसा फेज़ था जिसमें जो है बहुत एक, मतलब बहुत ही मुश्किल वाला फेज़ था। फिर बीच में शादी के बाद मैडम की बहुत तबीयत ख़राब हुई थी, तो हमने अच्छा बुरा समय बहुत एज़ फ्रेंड्स, एज स्ट्रगलर्स, एज हस्बैंड वाइफ हमने सब देखा। तो वो जस्ट बिकॉज वी वर फ्रेंड्स, हम अच्छे दोस्त थे, तो शुरुआत से लेकर एंड तक वो चीज़ हमेशा काम आई, और आगे भी मुझे लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो यही है। सर यूथ के लिए क्या कहना चाहेंगे? क्या है कि लाइफ में कमिटमेंट होना बड़ा इम्पोर्टेंट है। कमिटमेंट चाहे वो अपने काम के प्रति हो, चाहे अपने मतलब अब किसी व्यक्ति के प्रति हो, हमेशा कमिटमेंट होना लाइफ में बहुत ज़रूरी है। जब तक आप कमिटमेंट आपके पास नहीं होगा लाइफ में, उसे, उस कमिटमेंट को अचीव करने का जब तक आप नहीं सोचेंगे, तब तक लाइफ में, लाइफ कभी ठीक नहीं होगी। और बहुत इजी है गिव अप करना, बहुत इजी है कि आप नई राह चल पड़ना, लेकिन मेरा यूथ को यही मैसेज है कि एक बार जब आप कोई चीज़ सोच लें, आप कमिट कर दें, और जब तक आप कमिट नहीं करेंगे तब तक आप कुछ लाइफ में अचीव नहीं कर पाएंगे। सर कई बार ऐसा होता है कि देखिए, मैंने तो इसी सब के बीच में करियर बना लिया, मैं UPSC में भी सेलेक्ट हो गया, लेकिन हालांकि इसका बैलेंस मेंटेन करना बहुत आवश्यक है। और हमेशा लाइफ में, मतलब सिर्फ ये हमारी स्टोरी नहीं है, और भी मैं ऐसे बहुत सारे दोस्तों को जानता हूँ जिन्होंने लाइफ में कमिट किया, और मतलब वो भी रिलेशनशिप में रहे, लेकिन उन्होंने सक्सेस भी उतनी ही अर्जित की जितना उन्होंने स्ट्रगल किया। कैसे मुलाकात हुई? मेरा नाम अंकिता है, मैं एसपी धार आदित्य प्रताप सिंह की वाइफ हूँ। हमारी मुलाकात कॉलेज टाइम में हुई, हम दोनों हंसराज कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे साथ में। हमारा कोर्स अलग था पर हमारा फ्रेंड सर्कल कॉमन था, तो यही कॉमन फ्रेंड सर्कल के थ्रू हमारा मिलना हुआ। और कॉलेज के दौरान हम एक ही सर्कल में रहे, तो साथ ही काफ़ी समय बिताया, एक दूसरे को जानने का मौका मिला, इस तरह से हम एक दूसरे को मिले। आपने मुझे बताया था कि मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जब कॉलेज में हम एक साथ थे और एक दूसरे को पसंद करने लगे थे, तो सर के मन में एक बात क्लियर थी कि अगर हम एज़ फ्रेंड्स से आगे अगर हम कुछ सोचते हैं तो हम फिर शादी करेंगे। ऐसा कुछ अफेयर या कोई शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप नहीं रहेगा, वो एक शादी का ही कमिटमेंट था फर्स्ट प्लेस में। और सर ने ये कमिट किया था कि मैं कुछ ऐसा बन के दिखाऊंगा कि तुम्हारे पेरेंट्स को कोई भी दिक्कत नहीं आएगी हाँ कहने में, क्योंकि पहले में जो थोड़ा हेजिटेशन था कि मेरे पापा नहीं मानेंगे,
पर उन्होंने अपना कमिटमेंट पूरा किया। आज वो एक आईपीएस ऑफिसर हैं। और जब मेरे पापा ने उनसे मुलाकात की तो अदर दैन द फैक्ट कि वो एक आईपीएस ऑफिसर थे, एज अ पर्सन उनको बहुत पसंद किया और फिर पूरी फैमिली की हाँ हुई और हमारी फिर शादी हुई। दोनों तरफ से कोई नहीं, कोई भी परेशानी नहीं आई शुरुआत में। क्योंकि ये एक इंटरकास्ट मैरिज था तो थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस तो रहता ही है फैमिली मेम्बर्स के बीच, पर जब हमारे पेरेंट्स एक दूसरे से हमसे मिले तो उन्होंने हमें पसंद किया और उन्हें ये विश्वास था क्योंकि हम 9 साल से एक दूसरे को जानते थे और हम एक दूसरे के दूर रहने के बावजूद, जैसे सर यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे दिल्ली में और मैं हैदराबाद से एमबीए कर रही थी, फिर मैंने मुंबई और गुड़गांव में जॉब किया, तो लगभग 3 से 4 साल हम एक दूसरे से मिले भी नहीं थे, फिर भी हमारा कमिटमेंट उतना ही स्ट्रॉन्ग था जो कि इनिशियल लेवल पर था। और कभी भी हमने कोई ऐसा डाइवर्जन नहीं सोचा या ये नहीं सोचा कि जैसे सर को टाइम नहीं है तो हमारी बातचीत भी बहुत कम होती थी, पर कभी भी मन में ये ख्याल नहीं आया कि कोई दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं या अगर पेरेंट्स ने कुछ प्रपोज़ किया मैरिज अलायंस के लिए तो किसी और ऑप्शन को हम सिलेक्ट कर लेते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था। हम काफ़ी दृढ़ निश्चय से एक दूसरे के साथ ही जीवन बिताना चाहते। जब हम कॉलेज में होते हैं तो हमारा मन और दिमाग काफ़ी इमेच्योर होता है, तब हम मतलब वो एक अट्रैक्शन वाली बात होती है टीनेज में, जब कई सारे लोग हमें पसंद भी आ सकते हैं, पर कभी भी अपनी भावनाओं में बह के न अपना करियर बर्बाद करें न अपने परिवार वालों को किसी मुसीबत में डालें। आजकल कई लोग अपने बिलवेड के साथ भाग जाते हैं या अपने परिवार के मन के अगेंस्ट कुछ कदम उठाते हैं, ये सब न करते हुए उन्हें ये सोचना चाहिए कि हम अपने पेरेंट्स को कन्विंस करते हुए कैसे खुशी खुशी अपनी भी चाहत को और उनकी भी चाहत को एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे लाके मतलब पूरा करें ताकि किसी को भी कोई तकलीफ ना हो। और इसमें इसके बीच सबसे ज़रूरी ये है कि कॉलेज में और उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट होता है अपना करियर बनाना, अपने आप को एस्टैब्लिश करना। किसी भी तरह से दिन में 1-2 घंटे का क्वालिटी टाइम निकाल लेते हैं पोस्ट डिनर वॉक्स के लिए, तो बस एक दूसरे के साथ होना ही इतना फुलफिलिंग होता है कि भले ही टाइम कम मिले आपस में, पर वो एक मन में फुलफिलमेंट और एक अच्छी भावना रहती है कि हम साथ हैं। एक प्यारी सी बेटी भी है आपकी, क्या नाम है और क्या कहेंगे उसके लिए? हमारी हाल में ही 7 महीने पहले एक प्यारी सी गुड़िया हुई है, उसका नाम हमने आदृति रखा है। तो इसमें मेरा और सर का नाम दोनों आ जाता है, प्राइमरीली सर का नाम, क्योंकि बेटियां तो अपने पिता की प्यारी होती हैं। तो बस ये हमारी लाइफ की एक मतलब ऐसी खुशी है जो हमें यहाँ धार आके मिली। तो हम 2010 में मैं बॉम्बे में जॉब करती थी एज अ स्ट्रैटेजी कंसल्टेंट, तो मैं माटुंगा में रहती थी और मेरा ऑफिस वर्ली में था। तो एवरी डे अनफेलिंगली मैं सिद्धिविनायक टेम्पल पहले जाती थी सुबह, वहाँ पे भले ही वेडनेसडे को कितनी भी लंबी लाइन हो पूरा मतलब जल्दी जाके प्रेयर करके फिर ही मैं ऑफिस जाती थी। तो इस तरह जब तक सर का रिज़ल्ट नहीं आया तो मैंने एवरी डे सिद्धिविनायक मंदिर जाके प्रेयर किया। और मैं ये मानती हूँ कि सर की मेहनत और भगवान की कृपा से सर का सिलेक्शन हुआ और हम जो चाहते थे वो हो पाया। आप जॉब अभी भी कर रही हैं? हाँ, अभी कुछ साल पहले तक मैं वर्क फ्रॉम होम कर रही थी, अब मैं फ्रीलांस बिज़नेस कंसल्टेंट हूँ।